नमस्कार, राधे राधे सभी को। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मेकअप प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो हाँ जी, मैंने मंगाया था कुछ मेकअप का सामान जो कि मेरा ख़त्म हो रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने क्या क्या मंगा लिया वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी एक की ओपनिंग मैंने कर दिया, उसका बॉक्स यहाँ है इस वाले इसमें का, ये बिल वगैरह सब पड़ा हुआ है इसमें। मैंने कुछ चीज़ें ओपन कर ली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतनी पतली सी पैकिंग में कैसे ये सब मतलब आ सकता है। लास्ट टाइम बड़े बॉक्स में आया था, वो भी मैंने मेकअप का वीडियो जो है आप तक पहुँचाया था। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखा देता हूँ, फिटमी का 310 फाउंडेशन और 60 आवर्स ऑयल कंट्रोल, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये मैक्सिमम है ना सबके स्किन टोन पे बैठ जाता है। SPF 22 है और इतने अच्छे से मेल्ट होता है पूरा फेस पर, इतने अच्छे से सेट हो जाता है एक बार में कि अगर आपको एक बार को मेकअप नहीं भी करना आता ना तो भी आप इसको अच्छे से फिनिशिंग से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं और 310 मैं बता दूं क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया तो मेरा सांवला कॉम्प्लेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा जाता है। आपको अपने स्किन टोन से एक नंबर लाइटर लेना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा। तो ये सेकंड आइटम है, ये है मेकअप प्राइमर, बेस प्राइमर ऑयल फ्री। अगेन ये भी ऑयल फ्री है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये ऑयल फ्री वाली चीज़ें मेकअप मंगाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से इस पर मेकअप सेट होता है और बहुत लाइट वेट है, इतना हैवी नहीं है ये। और वैसे तो मैं मेकअप के बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कम में अच्छा करे जो वही जीनियस है। सो मैं बहुत कम करती हूँ। अब ये मत कहना दीदी खुद को जीनियस बोल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फालतू खर्चा करने से अच्छा है कि आप उतना करें जितने की नीड है। ओह, यहाँ ये गिर गया। इसके बाद आते हैं हम कॉम्पैक्ट पर। तो मेरा कॉम्पैक्ट भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सही रह रहा है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ना मिलके, लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, फिर मुझे लगा कि वैसे ही खरीद लेते, बट मार्केट प्राइस तो ऑनलाइन से बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे रिव्यू के लिए भी देख रहे हैं, तो भी आप ऑनलाइन ही परचेस करें। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन है ना काफ़ी सस्ता मिलता है, और भी सस्ता लेना है तो आप नायका पर जा सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है सब कुछ। तो ये है एक कॉम्पैक्ट, इसका कलर भी ना ज़्यादा लाइटर है, आपको कैमरा में भी बहुत लाइट दिख रहा होगा, इतना भी लाइट नहीं है, सर हल्का डार्क ही है। तो ये है और इसके साथ ये देते हैं एक सेट करने के लिए, सेटिंग के लिए जो सेटिंग स्पंज होता है वो, और इसका सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर है। ये आपके मेकअप को बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि ओवर। इसके बाद मैंने मंगाया है एक टिश्यूज़ जो होते हैं नेल पेंट रिमूव के लिए, तो नेल पेंट रिमूवर जो टिश्यूज़ होते हैं वो मंगाए मैंने, फ्लावर नेचुरल। ओ कैसे बंद हो गया ये, इसका मुझे बॉक्स बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। मैं वैसे ना इसमें बाद में बिंदियाँ वगैरह रख लेती हूँ, मुझे वही सही लगता है कि काम में आ जाइए। अभी ये बंद नहीं हो रहा मुझसे, भगवान, चलो बाद में बंद करते हैं इसको। एक ये एंजल रोज की मैट लिपस्टिक है, इसको मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, और काफ़ी टाइम स्टे भी करती है, ऐसा नहीं है कि स्टे नहीं करती है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि ये वो फलाना ठिकाना, इसका कलर है 05, कलर कोड जो है 05 है, और ये बहुत अच्छा मतलब लगता है इसको लगाने के बाद लुक। अब ये खोल लेते हैं, ये भी एक मेकअप के लिए अगेन लिपस्टिक है, पता नहीं मैं क्या कट करूँ। इसमें क्या है, इसमें है इसका बिल, अगेन कितना सीक्रेटली दिखा रखा है। और ये है डेव ब्यूटी की लिपस्टिक, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ देखी कि इस पर 9 to 9 लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी टाइम स्टे करने वाली है, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक। 9 to 9 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस टाइम यही होता है, वर्किंग टाइम, और यही टाइम होता है सबका बाहर निकलने का घर से। वो बात अलग है कि आप पार्टी में जा रहे हैं इसको लगा के, बाकी इस तरीके से थोड़ा सा गीला हो गया क्योंकि जो भी आया था वो बेचारा बारिश में भीग गया, यहाँ पर बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा।
और इसमें है काफ़ी सारे लिपस्टिक के शेड्स। लास्ट टाइम मैंने तो ये इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर शेड है। सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक भी शेड ऐसा होगा जो मैं लगा नहीं सकती। लास्ट टाइम जब मैंने हुडा ब्यूटी का पूरा मंगाया था ये, तो मुझे है ना ऐसा लगा कि काफ़ी सारी है ना यूज़ में नहीं आने वाली, वे कहाँ से ओपन होगा। यहाँ से हुडा ब्यूटी का ऐसे बैग के जैसा खुलता था, और मतलब उसके लिए रखने के लिए जो बॉक्स था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। इसके कलर्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सभी, तो देख लो। ये भी मैट लिपस्टिक है, वेलवेट है, नॉन ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि कुछ खाने पीने से जल्दी से हटेगी नहीं। तो चलो ये भी ट्राई करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई नया ब्रांड है तो हम ट्राई नहीं कर सकते उसको, उसमें कोई घाटा नहीं है। नया ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा। आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छा सा शेड है। वैसे तो मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है, बहुत सारी लिपस्टिक है मेरे पास। अभी मैंने नेचुरल लिपस्टिक का भी मंगाया था, ये काफ़ी सुंदर सा रेड है। इसके नंबर नहीं लिखे हुए कहीं भी, लेकिन हाँ सुंदर सा लग रहा है। मुझे तो लगाने में भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐसे लगा लगा के ख़त्म ना कर दूँ। मैं बहुत कंजूस हूँ मेरे लिपस्टिक को ख़राब करने के मामले में। इसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि रेड कलर काफ़ी सारे हैं, और जो पिंक टोन है वो भी सारे बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर से लग रहे हैं। और अब थर्ड वाला हम ट्राई करेंगे। मैं इसको इसलिए अच्छे से लगा करके दिखा रही हूँ, ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। और ये सूखता जा रहा है जैसे जैसे, बहुत अच्छे से लुक देता जा रहा है। यहाँ पर मेरा एक बल्ब हो गया ख़राब अचानक से वीडियो के दौरान ही। तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, बहुत ही सुंदर सा। इसके बाद आते हैं अगेन एक और पिंक कलर। भाई पिंक कलर बड़े सुंदर सुंदर, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, सारे कलर्स आ गए हैं अब मेरे पास। मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक मुझे लिपस्टिक खरीदने की ज़रूरत अब है नहीं। और ये है एक मरून शेड, ये वाला मेरे पास पहले भी था, चंचू की शादी में मैंने लैक्मे का शेड मंगाया था, लैक्मे एब्सोल्यूट का, तो वो यही वाला शेड था। ये वाइन कलर होता है एक्चुअली। और ये है एक न्यूड कलर, ये भी काफ़ी सुंदर सा है, न्यूड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको लगा नहीं सकती। लगा नहीं सकती का पर्पज़ ये लगाने के लिए सारे हैं, लेकिन हमारे कलर टोन पर क्या जाता है क्या नहीं वो देखना होता है। कई बार ऐसा होता है हमारा कलर टोन डार्कर होता है और हम बिल्कुल लाइट लिपस्टिक लगा लेते हैं, लाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। ये भी बिल्कुल अच्छा है, ये मेरा फेवरेट होता है, क्योंकि जब मुझे ऐसा मन होता है कि मुझे लिपस्टिक शो नहीं करनी कि मैंने लगा रखी है, तब। नेक्स्ट शेड है ये, अभी ये वाला कॉफी ब्राउन है बिल्कुल, ये रहा कॉफी ब्राउन कलर, बड़ा ही सुंदर सा लगता है मुझे, न्यूड मेकअप पे बहुत ही सुंदर जाता है ये। और इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है लिपस्टिक का। ये एक मरून बहुत ही सुंदर, और ये है एक रेड बिल्कुल करवा चौथ वाला रेड, रोज वाला रेड। और लास्ट शेड बचा ये, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा ये पैलेट। अगर आप चाहो तो आप भी मंगा सकते हो, डी ए वी ई भी बोल सकते हो, डे भी बोल सकते हो, जैसा आपको करता है, सब अपने अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सारे शेड्स लगा के दिखा दिया, आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर शेड हैं सभी। लेकिन अब मैं आपको एक टेस्ट दिखाती हूँ, यहाँ पे ये सूख चुका है, देखो मैं इसको इस तरीके से रब कर रही हूँ, पूरा अच्छे से रब किया है मैंने, देखो मेरी फिंगर्स पे कुछ भी नहीं आया, देखो इसे कहते हैं नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। कितना रब किया है मैंने, देखो यहाँ से रब भी नहीं हो रहा, यानी कि जब तक आप इसको मेकअप रिमूवल से निकालेंगे नहीं, जब तक ये नहीं निकलने वाला है। बाकी आपके ऊपर है, आपके चलाने के ऊपर आप कैसे चलाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो और वीडियो में क्या अच्छा लगा हो, इसमें से कौन सा कलर शेड आपका फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार फिर से पास से दिखा देती हूँ, कौन सा कलर शेड आपके फेवरेट है, हाथ पे भी देख लीजिए लगने के बाद ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मैं शिवानी रात लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।